हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 टिप जिसके द्वारा आप मीनोपॉज के बाद में अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, यानी कि आपके सेल्फ हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आप सेल्फ केयर कैसे करें, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं हो पाता और आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आप घर पर अपने आप से अपने हेल्थ के लिए कर सकें। एक हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि आप कॉमन मेनोपॉजल समस्याओं के बारे में देख सकते हैं और कॉमन उनके समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात की गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम आता है वो है हॉट फ्लशेस, यानी कि गर्मी लगकर पसीना आना। तो उसके लिए जो सबसे आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि आप हल्के सूती कपड़े पहने, यानी कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हैं। लाइट कपड़े पहनेंगे तो आपका टेम्परेचर कम रहेगा और साथ ही साथ आप बाहर आउटर में ज़्यादा रहिए या फिर एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में आप रहिए, जिससे कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है वो मूड स्विंग्स का आता है, तो उसके लिए आपको अपना डेली के सेशन योगा सेशंस लेने होते हैं। जब आप डेली योगा करती हैं तो उससे आपको काफ़ी सारे मैनेज इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और बॉडी का एक्सरसाइज होने से जो वीकनेस फील होती है वो भी ठीक हो जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि साथ ही साथ आप जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डेली मेडिटेशन करना होता है, यानी कि आप सुबह जल्दी उठकर योगा करें, फिर मेडिटेशन कीजिए और साथ ही साथ आप अच्छे नॉर्मल क्लोथ्स हल्के कपड़े पहनकर रहिए, जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। जब आप मेडिटेशन करती हैं तो आपका मेंटल वेलबींग रहता है, मेंटल पीस रहता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। और यदि ये सारी चीज़ें आप ओपन एयर में करती हैं, कूल ब्रीज के साथ करती हैं, तो डेफिनेटली आपके मूड एलिवेशन में भी फ़ायदा होगा और आपको सनलाइट एक्सपोज़र भी मिलेगा। इसलिए सनलाइट एक्सपोज़र के लिए चौथे पॉइंट के रूप में आपको डेली आउटिंग करनी होती है, जिसमें कि आपको सनलाइट मिलेगी, मेलाटोनिन मिलेगा और थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और इवनिंग वॉक भी आप कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में एक्टिव रहेंगी तो डेफिनेटली आपको अपना हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट है कि स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी ज़्यादा पीती रहेंगी तो आपका टेम्परेचर भी लो रहेगा, आपको गर्मी कम लगेगी, पसीना कम आएगा और यदि पसीना आता भी है तो बॉडी का वाटर का इम्बैलेंस नहीं होगा। तो कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। पानी के साथ साथ ही आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होता है, यानी कि आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। डाइट के अंदर छठे पॉइंट के रूप में आपको डाइट का इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि डाइट में आपको कैल्शियम और वाइटामिन डी रिच फूड लेना होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कैल्शियम और वाइटामिन के और जिंक भी ज़रूरी होता है। तो डाइट में यदि आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी कि जैसे दही है, छाछ है, पनीर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें लेती हैं तो आपको कैल्शियम अच्छे से मिल जाएगा, और स्प्राउट्स और दालें लेती हैं तो प्रोटीन मिल जाएगा, हरी सब्जियां लेती हैं तो आपको मिनरल्स और विटामिंस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप डाइट को इम्प्रूव करके आप अपनी वेलबींग बढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने आपके 5 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा करना, मेडिटेशन करना, फिज़िकली एक्टिव रहना, जिसके लिए कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, और सनलाइट का एक्सपोज़र लेना, स्टे हाइड्रेटेड यानी कि पानी खूब सारा पीना होता है, और हेल्दी डाइट लेना है, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि क्या क्या लेना है। छठे पॉइंट के रूप में आपको अपना डेली रूटीन मैनेज करना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यदि आप टाइम पे नहीं करती हैं तो आपको इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है और गुस्सा आने लगता है, और इस उम्र में आप थोड़ी चीज़ें भूलने भी लगते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि अपनी चीज़ों को आप एक फ़िक्स जगह पर रखिए और वहीं पे रखेंगे तो आपको ढूंढना कम पड़ेगा, चीज़ें आपकी खोएंगी कम, आपको इरिटेशन कम होगा और आप खुश रह पाएंगे। इसके साथ ही साथ मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ी मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे गेम्स आते हैं, यानी आप क्यूब सॉल्व कर सकती हैं या सुडोकू खेल सकती हैं या आप चेस खेल सकती हैं या और भी कोई कई सारे नंबर गेम्स, पज़ल गेम्स आते हैं, जो आपको बिज़ी भी रखेंगे और आपकी मेंटल वेलबींग को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अल्जाइमर्स का भी रिस्क बढ़ता है, जिसको कि आप काफ़ी हद तक अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस से कम कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ ही फिर मेंटल एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब जब दिन भर आप बहुत सारा काम करेंगे तो डेफिनेटली आप थक भी जाएंगी, तो आपको एक साउंड स्लीप की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फार्मूला जो हमारे पुराने ज़माने से चला रहा है वो बेस्ट है,
यानी कि अगर आप 9-10 बजे तक सो जाती हैं तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आती है और सुबह जल्दी उठने में मदद भी मिलती है। और स्लीप यानी कि सोना अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपको बहुत अच्छे से नींद आती है तो डेफिनेटली आपको मूड इरिटेशंस, मूड स्विंग्स नहीं होंगे और आप सुबह टाइम पर उठकर अपना योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस भी कर पाएंगे। अब यदि सोने में प्रॉब्लम आती है तो योगा जो होती है, जो मेडिटेशन होता है, स्लीप मेडिटेशन भी होता है, तो आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्लीप मेडिटेशन आप अगर आप करते हैं तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करके आप बहुत अच्छे से साउंड स्लीप ले सकती हैं। यदि आपको इस तरीके की और कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम उसके लिए आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। साउंड स्लीप के साथ ही जब आप अपना पूरा अच्छे से ध्यान रख पाएंगी और उसके बाद में जब आप खुश रहेंगी और आपको फिर भी लगता है कि कहीं खालीपन है, तो 8वें पॉइंट के रूप में डेफिनेटली आप अपने दोस्तों से और फैमिली वालों से कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको ज़िंदगी में अकेलापन ना रहे, खालीपन ना रहे। जब भी लोगों के साथ आप रहती हैं, अपने हंसी खुशी, अपने दुख और सुख अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आप खुश रह पाएंगे। तो लोगों के साथ आप जुड़े रहिए और अपनी भावनाएं शेयर करते रहिए। और एट द लास्ट हम आपसे बताएंगे कि यदि फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और कुछ कमी है, सब कुछ करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मेनोपॉज़ल के जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के, आप पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप किसी ना किसी फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए, जो कि आपकी सारी समस्याओं को सुनकर प्रॉब्लम को असेस कर सके और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ कर चुके होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ डाइट और हेल्थ, बाकी सारी चीज़ों से मैनिपुलेट नहीं की जा सकती, यानी कि कहीं ना कहीं मेडिसिंस का भी रोल आता है। तो हो सकता है कि आपको HRT की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि हार्मोन थेरेपी की रिक्वायरमेंट हो, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सारे ये जो हमने बताए एज ए होल आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट डेफिनेटली डॉक्टर की राय भी मायने रखती है। तो एज ए लास्ट पॉइंट, आप जब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट ज़रूर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।